मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन स्थगित कर दिया है। दरअसल मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने की मांग को लेकर मनोज जरांगे अंतरावली सराती में 8 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। मनोज जरांगे पाटिल से सरकार के शिष्टमंडल ने मुलाकात भी की है, जिसमें संदीपान भूमरे, शंभुराजे देसाई शामिल थे। अनशन उन्होंने ऐसे वक्त में स्थगित किया है जब कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अंतरावली सराती में तैनात डॉक्टरों की एक टीम ने उनसे इलाज करने का भी अनुरोध किया था, हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने इलाज कराने से इनकार कर दिया था। और अब अनशन स्थगित करने के बाद मनोज जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। मराठा आरक्षण की लड़ाई में नया मोड़, मनोज जरांगे पाटिल का अनशन स्थगित, भूख हड़ताल पर विराम, क्या होगा अंजाम? सरकार को मिला 1 महीने का अल्टीमेटम। जानकारी के अनुसार मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है। पाटिल ने कहा कि सरकार ने अगर 1 महीने में काम नहीं किया तो सीधे विधानसभा के चुनाव में उतरूंगा। यानी सरकार के पास 13 जुलाई तक का वक्त है कि वो मनोज जरांगे की मांगे मान ले। जरांगे पाटिल से मुलाकात के बाद मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि जरांगे की लड़ाई की वजह से मराठाओं को 10% आरक्षण मिला है। मंत्री ने कहा कि वो 14 जून यानी शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के लोगों को कुंभी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कुंभी समुदाय को ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में मराठा आरक्षण के लोगों को कुंभी जाति प्रमाण पत्र देने से उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता का कहना है कि अगर मामला नहीं सुलझाया गया तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 288 सीटों पर सभी जाति धर्म के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएंगे। बता दें कि मराठा आरक्षण और मनोज जरांगे पाटिल का अनशन राज्य सरकार के लिए सिर दर्द बन गया है। पिछले साल से लोकसभा चुनाव से पहले तक पाटिल 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। एक बार उन्होंने जालना से मुंबई के लिए कूच भी किया था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश जारी कर उनका आंदोलन खत्म करवाया था, लेकिन अध्यादेश लागू नहीं होता देख उन्होंने एक बार फिर आंदोलन छेड़ दिया, जिसको आज आश्वासन के बाद स्थगित किया गया है। वहीं इससे पहले शिवबा संगठन के नेता ने भी चेतावनी दी थी कि अगर सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही तो वह अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 4 दिन बाद जरांगे पाटिल ने 8 जून को भूख हड़ताल के साथ अपना नया आंदोलन शुरू किया था। बता दें कि जरांगे पाटिल को मनाने की काफी कोशिशें भी की गयी। मराठा आंदोलन का नुकसान महायुति को लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। खुद अजीत पवार ने भी इस बात को माना है कि मराठा आंदोलन की वजह से महायुति को मराठवाड़ा रीजन में सिर्फ 1 ही सीट पर जीत मिली है। लोकसभा के बाद विधानसभा में भी मराठा फैक्टर महायुति के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए सरकार ने एक बार फिर जरांगे से अनशन तोड़ने की मांग की है और 1 महीने की मोहलत देकर अनशन को स्थगित कर दिया गया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मराठा आंदोलन क्या मोड़ लेता है। MKN न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट।